आज हम लोग करेंगे यांडेक्स क्लाउड स्टोरेज का रिव्यू। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं कॉन्स्टेंटली काफी डिजिटल टूल्स और सर्विसेज के बारे में बात करता रहता हूँ। क्लाउड स्टोरेज एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैंने काफी बात करी है इस चैनल के ऊपर। रिसेंटली मैंने बेस्ट क्लाउड स्टोरेज और बेस्ट फ्री क्लाउड स्टोरेज के वीडियोज भी बनाए थे, वो दोनों आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएंगे। आज जिस क्लाउड स्टोरेज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है यांडेक्स। सो यांडेक्स क्या है? यांडेक्स एक रशिया की कंपनी है। इनके खुद के सर्च इंजन है, कैलेंडर है, मेल है, न्यूज ऐप है, वेदर ऐप है, इनकी खुद की क्लाउड स्टोरेज है। तो जैसे कि गूगल है, तो आप एक तरीके से यांडेक्स को रशिया की गूगल बोल सकते हो। अब इसके अगर मैं साइंग अप की बात करूं तो सबसे पहले आप लोग जाओगे यांडेक्स डिस्क के ऊपर। यांडेक्स डिस्क यांडेक्स की तरफ से आने वाली क्लाउड स्टोरेज है और यहाँ पर आपको साइन इन का दिख जाएगा, साइंग अप का दिख जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर आप लोग साइंग अप करोगे, ये एक ही आईडी आपकी बना देगा। यहाँ पर आपको @यांडेक्स की ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, इनकी क्लाउड स्टोरेज भी मिल जाएगी, इनका मेल भी मिल जाएगा, इनके मैप्स भी मिल जाएंगे। तो जैसे कि गूगल करता है कि आप लोग जीमेल पे साइंग अप करते हो और ये सारी सर्विसेज आपको मिल जाती है, यहाँ पर भी सेम यही प्रोसेस रहेगा कि इनकी एक सर्विस पे साइंग अप करोगे और सभी सर्विसेज पे इनका साइंग अप ऑटोमेटिकली हो जाता है। यूजर इंटरफेस की बात करूं तो जैसे ही आप लोग लॉगिन करोगे आपको इस तरह की यहां पे स्क्रीन देखने को मिलेगी। साइड में आपको नेविगेशन के लिए मिल जाएंगे, इट इज डिसेंट। यहां पर आप लोग इसको आइकन्स में, लिस्ट में कर सकते हो एंड देन सॉर्ट भी कर सकते हो। और जैसे ही नीचे आओगे यहां पर आपको दिखेंगे एड्स। जी हाँ, ये एक फ्री सर्विस है, तो फ्री में अगर आप लोग इसको यूज़ कर रहे हो यहाँ पर आपको फ्री में 10 GB मिलेगा। 10 GB वाला अगर आप लोग प्लान यूज़ कर रहे हो तो आपको एड्स दिखेंगे, इसमें भी दिखेंगे, मोबाइल में भी देखने को मिलेंगे। सो इंटरफेस इज डिसेंट, ये कुछ खास अच्छा नहीं है लेकिन कुछ खास यहाँ पर खराबी भी नहीं है। यहाँ पर आपको नोट्स ऐप भी देखने को मिल जाता है इनके यांडेक्स डिस्क के अंदर ही। स्पीड की बात करूं तो यहाँ पर मैंने एक 845 MB की वीडियो फाइल अपलोड करके देखी। मेरे कनेक्शन की स्पीड है 100 MBPS डाउनलोड और अपलोड। मुझे यहाँ पे अपलोड टाइम मिला 2:40 का, डाउनलोड टाइम मिला 2:05 का। तो स्पीड यहाँ पे डिसेंट है, इट इज नॉट टू गुड, नीदर इट इज टू बैड, इट इज डिसेंट। ये आपको गूगल ड्राइव जितनी तेज स्पीड नहीं देती है। ये डीजी बॉक्स का मैंने रिसेंटली रिव्यू किया था, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसकी जितनी स्पीड थी इसकी भी यहाँ पर सिमिलर स्पीड ही आपको देखने को मिल रही है। फाइल्स की बात करूँ तो आप लोग उसको एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको MS Office ऑनलाइन का सपोर्ट मिल जाएगा और वर्जनिंग भी है, यहाँ पर आपको 14 डेज की वर्जनिंग भी मिल जाएगी। और अगर आप लोग इनके पेड प्लान में जाओगे तो 90 डे की मिल जाएगी। म्यूजिक, ऑडियो और वीडियो फाइल भी आप लोग प्ले कर सकते हो इनकी क्लाउड स्टोरेज के अंदर। शेयरिंग की बात करूं तो आप लोग यहाँ पे शेयर कर सकते हो, लिंक शेयर कर सकते हो और कोई भी यहाँ पर इस लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकता है आपके फोल्डर को बिना रजिस्ट्रेशन करे, लेकिन वो यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकता है और यहाँ पर भी उसको एड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग फोल्डर का एक्सेस भी दे सकते हो दूसरे यूजर्स को। सिक्योरिटी और एनक्रिप्शन की बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया कि रेस्ट पे एनक्रिप्शन रहेगा कि नहीं रहेगा। ट्रांजिट के टाइम पे यहाँ पे इंक्रिप्शन है लेकिन कौन सा इंक्रिप्शन यूज किया है वो नहीं बताया है। तो डिजी बॉक्स में तो डेटा एट रेस्ट पे इंक्रिप्शन था एटलीस्ट, यहाँ पर तो इन्होंने कुछ बताया नहीं है कि इंक्रिप्शन रहेगा एट रेस्ट पे कि नहीं रहेगा। और रशिया में रहेगा तो रशिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफी ज्यादा साइबर क्रिमिनल अटैक्स होते रहते हैं, वहां से काफी ज्यादा साइबर क्रिमिनल्स भी आते हैं, तो वो चीज तो होनी चाहिए। यहाँ पर 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, सर्वर लोकेशन यहाँ पर यूरोप की भी है, रशिया की भी है, लेकिन ये ऑटो डिसाइडेड होगी। और ज़्यादातर अगर आप लोग यूरोप में नहीं रहते हो तो फिर आपको रशिया की सर्वर लोकेशन ही मिलेगी। और यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि यांडेक्स यहाँ पर स्कैन करती है 1 GB तक की फाइल को कि उसमें कोई वायरस तो नहीं है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन नहीं देखने को मिलता है। कुछ यहाँ पर अच्छी बात भी है इनकी सिक्योरिटी में। सबसे पहले तो मैं अपने सारे डिवाइसेस से एक ही जगह से लॉग आउट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि कौन कौन से डिवाइसेस में मेरी यांडेक्स डिस्क को यूज़ किया जा रहा है। कोई भी अगर नए डिवाइसेस से लॉग इन होता है तो मुझे यहाँ पर ईमेल आ जाता है। 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन में सेटअप कर सकता हूँ और पिन और फिंगरप्रिंट के ऑप्शंस अवेलेबल है इनके एंड्रॉइड ऐप पर। सो फार इनके जो इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स है वो मुझे इतने पसंद नहीं आए। इनसे काफ़ी स्मॉल प्लेयर्स हैं जैसे कि आइस ड्राइव, उसके काफ़ी अच्छे इंक्रिप्शन और प्राइवेसी पॉलिसी भी है, उसका रिव्यू आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, यांडेक्स डिस्क आती है रशिया की तरफ से और रशिया की गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जिनको डेटा भी चाहिए रहता है और इंक्रिप्शन कीज भी चाहिए रहती है। रिसेंटली इन्होंने यहाँ पे टेलीग्राम को बैन कर दिया था आज से 2 साल पहले। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम ने अपनी जो इंक्रिप्शन कीज है उसको देने से इनको मना कर दिया था।
सो यहाँ पर इनके कुछ एंटी टेररिज्म लॉज वगैरह हैं, जिसमें ये लोग कहते हैं कि ऑर्गेनाइजर्स मस्ट कलेक्ट स्टोर एंड प्रोवाइड यूजर्स मेटा डेटा टू रशियन अथॉरिटीज। मतलब इनको डेटा चाहिए और इनको इंक्रिप्शन कीज भी चाहिए। सो रशिया इज डेफिनेटली नॉट द बेस्ट प्लेस फॉर डेटा प्रोटेक्शन। यूएस में भी ऐसा गवर्नमेंट मांग सकती है, लेकिन यूएस में कभी ऐसा नहीं कहा कि इंक्रिप्शन कीज ही आप हमें दे दो। यहाँ पे तो ये लोग सीधे कह रहे हैं कि टेलीग्राम अगर आप हमें इंक्रिप्शन की दे रहे हो तो हम लोग आपको रखेंगे, नहीं दे रहे हो तो आपको बैन कर दिया जाएगा। प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बात करूं तो यहाँ पर एक पॉइंट है, व्हाट टाइप ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। उसमें एक फोर्थ पॉइंट इन्होंने यहाँ पे दिया है कि साइट को आप लोग कैसे यूज कर रहे हो, आपकी ईमेल एड्रेस वगैरह ठीक है, फोन बुक डेटा ठीक है, फिर एज वेल एज फाइल्स एंड कॉन्टेंट स्टोर इन यांडेस सिस्टम्स। मतलब जो भी मैं यहाँ पे फाइल्स डालूंगा वो ये लोग कलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पर इन्होंने फिफ्थ पॉइंट में बताया कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस किया जाएगा, और इसमें एक इनका सी पॉइंट है कि ऑफर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम रैंडेस और अदर कंपनीज जो कि आपके इंटरेस्ट के हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं लोग पर्सनली टारगेटेड एडवर्टाइजिंग की। तो यहाँ पे एडवर्टाइजर्स के साथ साथ में ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं टू पर्सनलाइज एडवर्टाइजमेंट्स और कमर्शियल ऑफर्स, तो क्योंकि यहाँ पर आपको एड्स दिख रहे हैं तो एड्स अब आपको किसके बेसिस पे दिखेंगे, एड्स आपको आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन और डेटा के बेसिस पे यहाँ पे दिखेंगे। सो प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर इनकी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई है। अब यहाँ पर इनकी एक बात अच्छी ये है कि यहाँ पर आपको अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज मिल रही है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पर, वो ये है कि आपकी जो फोटोज है वो ऑटो अपलोड पे सेट होनी चाहिए। मतलब जो भी आप लोग फोटोज अपने कैमरा से क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी यांडेस डिस्क के ऊपर, और सिर्फ वही फोटोज अनलिमिटेड स्टोरेज में काउंट होगी। अगर आप लोग कोई सेपरेटली फोटोज को अपलोड करोगे या फिर ऑटो अपलोड ऑफ करके कुछ अलग से फोटोज डालोगे तो वो सब यहाँ पर अनलिमिटेड में नहीं काउंट होगी, वो सिर्फ 10 GB की स्टोरेज में काउंट होगी। और अनलिमिटेड वीडियो अपलोड्स का ऑप्शन नहीं है। अगर आपने कुछ वीडियोस वगैरह बनाए हो तो फिर वो ऑटोमेटिकली अपलोड जो होंगे वो आपके डिस्क स्पेस में कैलकुलेट होंगे। सो अब अगर यहाँ पर मैं इसके कुछ प्रोस के बारे में बात करूँ तो आपको 10 GB का फ्री डेटा मिलता है, फाइल्स को आप लोग एडिट भी कर सकते हो, वीडियो को प्लेबैक कर सकते हो, अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज मिल जाती है ऑटो अपलोड के ऑप्शन में, और स्पीड भी इसकी अच्छी है। अब अगर इसके कुछ कॉन्स के बारे में बात करूँ तो इनकी सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा खास मुझे पसंद नहीं आई है, प्राइवेसी पॉलिसी इनकी थोड़ी सी वीक है, एड्स देखने को मिलेंगे और शेयरिंग ऑप्शंस भी यहाँ पर काफ़ी लिमिटेड है। सो क्या यहाँ पर आपको यांडेस क्लाउड स्टोरेज का यूज़ करना चाहिए, ये डिसीजन तो मैं आपके ऊपर ही छोड़ूंगा। आप लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं ऊपर के फैक्टर्स देख करके। मेरी पर्सनल ओपिनियन में आई विल प्रिफर गूगल बेटर। देखो दोनों की प्राइवेसी पॉलिसी लगभग सेम ही है, दोनों आपका कुछ ना कुछ डेटा ले ही रहे हैं, आपको एड्स दोनों अलग अलग तरीके से सर्व कर ही रहे हैं, बट मेरा ट्रस्ट गूगल के सुंदर पिचाई के ऊपर थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू रशिया की यांडेस के ऊपर। बाकी आप लोग खुद अपने लिए यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। एंड फॉर सेंसिटिव डेटा तो मैं इसमें से कोई भी यूज़ नहीं करूँगा। सेंसिटिव डेटा के आप लोग पी क्लाउड सिंक आइस ड्राइव और ट्रेसोरिट जैसी सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। इनके बारे में भी मैंने बात करी इस चैनल के ऊपर, आपको इनके वीडियोस भी मिल जाएंगे। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है गूगल फोटोज के लिए, क्योंकि यहाँ पर गूगल फोटोज अब अनलिमिटेड स्टोरेज ऑप्शन यहाँ पर बंद कर रहा है, तो हमें चाहिए इसका कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव वो भी फ्री में। तो मेरे भाई देखो, फ्री के पीछे मत भागो, फ्री के पीछे भागोगे कहीं ना कहीं आप लोग फंस जाओगे। तो बेटर है कि या तो कोई आप लोग एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले लो या फिर जो दूसरी फ्री स्टोरेज सर्विसेज हैं जैसे कि पी क्लाउड सिंक, वहाँ पर डाल दो, आपको कम से कम वहाँ पे 20-25 डेटा तो फ्री में मिल ही जाएगा, तो वहाँ पर उन्हें अपलोड कर दो। लेकिन अगर आपके कोई ऐसी इमेजेस हैं जिसको आप लोग बहुत सारी इमेजेस क्लिक करते रहते हो तो फिर आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर कोई सेंसिटिव इमेजेस है तो मेरे रिकमेंडेशन में तो उसको यहाँ पे मत डालिएगा। अगर आप लोग कोई ऐसी इमेजेस क्लिक कर रहे हो जिसको आप लोग सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर यांडेस सर्विसेज का भी यूज़ मत करिएगा मेरी रिकमेंडेशन में। बाकी अगर आपको करना है तो आप लोग कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू इट। आप लोगों की क्या ओपिनियन है यांडेस डिस सर्विस के बारे में, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू नो दैट। सो यांडेस डिस सर्विस अच्छी है, लेकिन मैं पर्सनली इसको कभी यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि इनकी प्राइवेसी पॉलिसी और सिक्योरिटी थोड़ी वीक है, और ना ही मैं किसी अपने फ्रेंड को कभी रिकमेंड करूँगा इन सर्विसेज को यूज़ करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।